हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी है क्या? तो एक्चुअली इम्यूनिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ओके, अब फॉरेन मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है? जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ये आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है या आपके लिए वायरस भी हो सकता है। ओके, तो इम्यूनिटी क्या है? ये हमारी जो बॉडी है उसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। तो क्या करता है, जब भी अगर आपको कोई भी वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हेल्प करता है उन वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी जो यंग है, यानी कि जो यंग पीपल जो 18 to 40 years के बीच है, तो उनका क्या है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के वजह से क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन उन्हें होता है, तो उनका इम्यून सेल्स क्या करते हैं, वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उस वायरस या फॉरेन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं किल कर देते हैं। लेकिन अब बात इस पे देखने वाली है कि जो ओल्डर पीपल है, जैसे कि ओल्डर पीपल क्या है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंदर जो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। इसलिए आपको देखा होगा कि जो ओल्डर पीपल हैं उनके अंदर क्या है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी उनको इन्फेक्शन होता रहता है और वो उनका इन्फेक्शन क्या है कि वो इतनी जल्दी सही नहीं होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है जो है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें डिपेंड होना पड़ता है मेडिकेशन के ऊपर। ओके, यानी कि उन्हें मेडिसिन की हेल्प से क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी को अपने जो इन्फेक्शन है उसे रिकवर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। वगैरह इम्यून सिस्टम, अगर हम लोग बात करें यंगर पीपल का, तो यंगर्स में क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करता है, खुद ही फाइट करता है इन फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट और खुद ही क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड दीज फॉरेन मॉलिक्यूल्स इट मे बी बैक्टीरिया और द वायरसेस। सो इम्यूनिटी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इननेट इम्यूनिटी and the second one is adaptive immunity. Okay, so first innate immunity. तो innate immunity क्या है? अब जो innate immunity है, ये क्या होता है? ये हमारी birth से present होता है, यानी कि it present since birth. Okay, तो जैसे ही हम लोग का जन्म होता है, वैसे क्या होते हैं, जो हमारे immune cells हैं वो क्या करते हैं, डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे लोग टाइम जो है बड़े होते जाते हैं, वैसे क्या होते हैं, ये इम्यून सेल्स और स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इननेट इम्यूनिटी है, ये हमारी बॉडी में सिंस बर्थ से स्टार्ट होती है, यानी सिंस बर्थ ही ऑलरेडी रहती है। दूसरा क्या है, इट इज एंटीजन नॉन स्पेसिफिक। ओके, तो अब जैसे ही आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरस या बैक्टीरिया को, चाहे कोई सा भी है, तो क्या होता है, ये इननेट इम्यूनिटी जो है ये सबसे पहले लाइन में आती है, मतलब सबसे पहले ये क्या करते हैं, स्टार्ट होती है और सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। ओके, तो ये एंटीजन नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब कि ये देखिए, अगर एक स्पेसिफिक टाइप का वायरस आएगा तभी ये एक्टिवेट होगी, ये किसी है नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये कोई सा भी वायरस है, कोई सी बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट क्या हो, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, ये इननेट इम्यूनिटी। तो ये क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, तो कोई सा भी बैक्टीरिया है, कोई सा भी वायरस, कुछ भी आए, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स आए, तो सबसे पहले जो इननेट इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सिंस बर्थ एंड इट इज एंटीजन नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई सा भी वायरस हो, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हो, तो सबसे पहले क्या होता है, इननेट इम्यूनिटी जो है इट कम्स इन पिक्चर। अब सपोज अगर हमारा जो इननेट इम्यूनिटी है, ये अगर फॉरेन मॉलिक्यूल या जो भी बैक्टीरिया जो वायरस है उसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाता है, ठीक है, अगर नहीं लड़ पाता है तब क्या होता है, देन एडाप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन पिक्चर। ओके, तो इट इज एंटीजन स्पेसिफिक, इट इज एंटीजन स्पेसिफिक। ओके, तो ये जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है ये कब आती है, जब हमारा जो इननेट इम्यूनिटी है ये हार जाता है, उसके बाद क्या हो, सपोज
ये जो इननेट इम्यूनिटी, ये उस पार्टिकुलर फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट क्या होता है, फाइट नहीं कर पाता है। और ये क्या करता है कि जो बॉडी है बहुत ही वीक होने लगती है और वो क्या करती है, अपने आप को लाइक अपने जो हथियार है वो डाल देती है। उसके बाद क्या आता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। तब एडाप्टिव इम्यूनिटी आती है, ये क्या होती है, ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्स के बारे में, कौन कौन से सेल्स जो है वो इननेट इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से सेल्स जो है वो एडाप्टिव इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इननेट इम्यूनिटी के लिए फर्स्ट वन इज एनके सेल, इट इज नेचुरल किलर सेल्स। सेकेंड वन न्यूट्रोफिल्स, थर्ड मोनोसाइट्स, फोर्थ इज मैक्रोफेजेस। ओके, एडाप्टिव में फर्स्ट वन इज टी सेल्स, सेकेंड वन इज बी सेल्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग को इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस या फॉरेन मॉलिक्यूल बॉडी में एंटर करता है, तब क्या होते हैं, इननेट इम्यूनिटी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ईटीसी, इट गेट एक्टिवेटेड एंड देन इट डिस्ट्रॉयज द फॉरेन मॉलिक्यूल, आइडेंटिटी बैक्टीरिया और वायरसेस, देन दीज सेल्स दे हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हो गए चार सेल। अब हम बात करेंगे इन चारों सेल के बारे में। और और एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, दो सेल रिप्रेजेंट करते हैं, द फर्स्ट वन इज टी सेल्स एंड द नेक्स्ट वन इज बी सेल्स। ओके, तो हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की, हाउ इट वर्क्स। ओके, तो इट रिजेंबल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, इट रिजेंबल्स टीसी सेल्स बट इट इज नाइदर बी सेल्स नॉर टी सेल्स। ओके, एंड देन इट वर्क्स लाइक एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर। ओके, इट वर्क्स इन एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर। जैसे क्या है कि कोई सा फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ जाए, कोई सा जितना बनाया या कोई भी नोवल आ जाए मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल। ओके, तो क्या करते हैं, ये नेचुरल किलर सेल लाइक इट डोंट वर्क लाइक ए स्पेसिफिक मैनर, इट वर्क इन द एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर ऑल्सो। ओके, सो एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इट डोंट यूज फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म। फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, ओके, तो अब बात आती है, अगर ये जो फैगोसाइटोसिस जो मैकेनिज्म है, अगर ये यूज, ये भी नेचुरल किलर से यूज नहीं करते हैं, तो ये कैसे जो है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उन्हें किल करते हैं। तो इट यूजेस सम पोटेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, अब वो पोटेंट मॉलिक्यूल क्या है, परफोरिंस एंड ग्रैनजाइम्स। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल आता है तो क्या होता है, जो नेचुरल कलर सेल्स हैं दे रिलीज सम पोटेंट मॉलिक्यूल्स लाइक परफोरिंस एंड ग्रैनजाइम्स। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल किलर सेल एंड व्हाट केमिकल दे रिलीज टू डिस्ट्रॉय द वायरसेस और द बैक्टीरिया। तो इट रिजेंबल्स साइटोटॉक्सिक सी सेल बट इट इज नाइदर बी सेल नॉर टी सेल एंड इट वर्क्स इन एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर। इट डोंट यूज द फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, it releases some potent molecules when it comes in contact with the virus
which we call perforins and granzymes, and with the help of these perforins and granzymes, they destroy the virus infected cells. तो ये हो गया नेचुरल किलर सेल के बारे में और ये कैसे जो है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है. इसी के साथ नेचुरल किलर सेल जो है वो जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं और जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता है सेम मैकेनिज्म से. ओके, तो इट डिस्ट्रॉय द मैलिग्नेंट सेल्स आल्सो एंड आल्सो द कैंसर सेल्स. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं मोनोसाइट्स के बारे में. ये जो मोनोसाइट्स है ना, दीज सेल्स मोस्टली फ्लो इन द ब्लड एंड देन व्हेन इट एंटर्स इनटू द टिश्यू देन इट बिकम्स मैक्रोफेजेस. ओके, मींस दीज मोनोसाइट्स मैच्योर्स इन टिश्यूज. ओके, व्हेन इट मैच्योर्स इन टिश्यू देन वी कॉल these monocytes into macrophages. Okay, now we will discuss like how these innate immune cells helps in protecting the body from the foreign molecules like the viruses or bacteria. So first they use phagocytosis mechanism. Okay, so like natural killer cell, it don't use phagocytosis mechanism, but these cells, neutrophils, monocytes and macrophages, they use phagocytosis mechanism. Then after ingestion, okay, after ingestion what they do? After ingestion, foreign molecules entered in the phagocytic vacuole, okay, which we call phagosome. Okay, after which these phagosomes then fuses with lysosome and then it made phagolysosome. After that the antimicrobial and cytotoxic activities, cytotoxic molecules in the lysosome then destroy the virus infected cells. Okay, so how these cells work? So first they use the phagocytosis mechanism, means they just engulf the molecule, foreign molecule, by an individual cell. Okay, after ingestion then these foreign molecules entrap in the phagocytotic vacuole, so which we call that phagosome. Then these phagosome fuses with the lysosome, then it makes the phagolysosome. Then this phagolysosome is having the antimicrobial and the cytotoxic molecules or substances in the lysosome. We call it substances. Okay, substances in the lysosome, and then this destroy the virus infected cell. So this is the basic mechanism like how these innate immune cells works and destroy the virus particles or the bacteria particles. So, अब क्या होता है? अब देखिए, सपोज ये जो है ये वायरस पार्टिकल है या वायरस है. ओके,
So when it enters the cells, then innate immune cells, innate immune cells kills the virus infected cell, and then the broken pieces sent to B cells to make antibodies. तो जैसे क्या होता है, कोई भी वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तब क्या होता है, जो हमारे इन्नेट इम्यून सेल्स है यानी न्यूट्रोफिल्स, देन मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, वो आते हैं और वो क्या करते हैं, वायरस को किल करने लगते हैं। ठीक, अब जब वो वायरस को पूरी तरह किल कर देते हैं या उनसे जीत जाते हैं, तब क्या करते हैं, वो वायरस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो उन पीसेस को बी सेल्स के पास भेज देते हैं, ताकि बी सेल्स क्या करता है, उन पीसेस को स्टडी करता है, और उसके बाद क्या करता है, उन पीसेस उनके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। एंटीबॉडी इट इज वाई सेव्ड। तो वाई सेव्ड क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट कर देता है। अब सपोज अगर आपको बॉडी में सेम इंफेक्शन दोबारा होता है, ठीक है, तब क्या करता है, जो बी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो इन्फेक्शन आपको 8 से 10 दिन में सही हो रहा था, अब वो इन्फेक्शन आपको यानी कि 2 से 3 दिन लग रहे हैं आपको सही होने में। तो ये एक बेसिक लाइक मैकेनिज्म है कि कैसे क्या होता है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो, हाउ इट कम्स इन पिक्चर एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द वायरस पार्टिकल्स और द बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी की। एडाप्टिव इम्यूनिटी, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी, अब सपोज ये एक वायरस, सपोज दिस इज अ वायरस, देन इट एंटर्स सेल्स, देन इन्नेट इम्यूनिटी सेल्स कम्स पिक्चर, इफ सपोज क्या होता है कि अगर हमारा इन्नेट इम्यून सेल्स यानी तो इन्नेट इम्यून सेल्स हैं, अगर वो क्या करते हैं, अगर वो इस वायरस के अगेंस्ट नहीं जीत पाते या इन्हें किल नहीं कर पाते, तब क्या होता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन पिक्चर। देन एडाप्टिव इम्यूनिटी, इफ सपोज इन्नेट इम्यून सेल इज नॉट बीन एबल टू डिफीट द वायरस और किल द वायरस, देन एडाप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन पिक्चर। अब क्या होता है, अब एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इंक्लूड्स टू इंपॉर्टेंट सेल्स, फर्स्ट इज टी सेल्स एंड अनदर वन इज बी सेल्स। तो टी सेल और बी सेल, दिस एडाप्टिव इम्यूनिटी इट इंक्लूड टू सेल्स। अब एडाप्टिव इम्यूनिटी को हम लोग और बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो से adaptive immunity to acquired immunity, or we can say antigen specific immunity. तो अब T cells क्या होते हैं और B cells क्या होते हैं, तो T cells का काम क्या होता है, basically ये क्या करते हैं, B cells को activate करते हैं और B cells को मतलब order देते हैं कि तुम जो है वो specific antibody बनाओ इस virus के खिलाफ। तो ये कैसे करते हैं, अब T cell का mechanism देख लेते हैं। तो suppose क्या है, ये T cells, these are the T cells, it get stimulated
by an appropriate antigen. Okay, then it releases some chemicals या chemical molecules which is called cytokines. Then this cytokine differentiate B cells into plasma cells. Okay, then these plasma cells make antibodies. Okay, so how T cell activate B cell or help in making the antibody? So first this T cell get stimulated by an appropriate antigen. क्योंकि ये adaptive immunity जो है it is an antigen specific mechanism. Okay, so after that it releases some chemical molecule which we call cytokines. Then this cytokines help and differentiate these B cells into the plasma cell, and then these plasma cell they make antibodies. Okay, तो क्या होता है कि जैसे कि हम बोल रहे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हमारे innate immune cells जो हैं अगर वो जो क्या कर रहे हैं वो अगर वायरस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे या किल नहीं कर पा रहे तब क्या होता है जो बी सेल्स क्या होता है ये एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है. बी सेल्स मेक एंटीबॉडीज एंड ऑल्सो प्लस मेमोरी सेल्स. ओके, देन दिस एंटीबॉडी then kill the virus. Okay, जब ये एंटीबॉडी बना लेते हैं तब क्या करते हैं एंटीबॉडी जो क्या करते हैं helps in destroying the virus. Okay, along with that it also make memory cells. Okay, अभी memory cells क्या होते हैं? Suppose आपको क्या हुआ infection हुआ किसी virus particle से, अब क्या हुआ आपके innate immune cells आए, it comes in picture, लेकिन वो destroy नहीं कर पाए. मतलब कि क्या हुआ अगर उन्होंने क्या किया कि अगर उस virus particle को destroy नहीं कर पाए तब जो है adaptive immunity जो है it get activated and then this B cells, okay, this B cells with the help of T cells then it make antibody and along with that antibody which is specific, it is specific for only the specific virus of the same strain. Okay, then along with that it makes memory cells. अब memory cells का काम क्या होता है, ये जो memory cells होते हैं ये क्या करते हैं, एक बार अगर आपका infection सही हो गया तो क्या होता है ये memory cells आपका जो blood है उसमें flow करते रहते हैं. अब सपोज अगर आपको सेम इन्फेक्शन होता है सेम वायरस के साथ जिसका स्ट्रेन भी सेम है तब क्या होता है ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, मतलब ये उस स्पेसिफिक वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं ये बी सेल्स को ऑर्डर करते हैं कि ये वही वायरस है जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने पहले जो है वो एंटीबॉडी बनाया था, तो तुम क्या करो इसके अगेंस्ट दोबारा एंटीबॉडी बनाओ ताकि क्या है कि हम उस वायरस को जल्दी से किल कर सके और जो बॉडी है जल्दी से किल्स कर सके उस वायरस को. ओके, तो क्या होता है अब जो काम 8 से 10 दिन में लग रहा था यानी कि उस वायरस को पहले पहचानना पड़ा था वायरस कैसे है उसके खिलाफ जो फाइट करनी पड़ रही थी साथ ही साथ उसमें जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो 8 से 10 दिन का समय लग रहा था अब क्या हुआ वही समय घट के 2-3 दिन हो गया. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है अब ये फॉरेन मॉलिक्यूल नहीं है, अब क्या इसके अगेंस्ट ऑलरेडी हम इससे पहले लड़ चुके हैं और इसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी एंटीबॉडी बना रखी है. तो क्या करते हैं मेमोरी सेल्स वो क्या करते हैं जस्ट ऑर्डर करते हैं बी सेल्स को कि आप जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाइए. अब वो एंटीबॉडी जल्दी से बनाता है और बाद इसी के साथ क्या होता है जो वायरस है उसे बहुत ही जल्दी एलिमिनेट कर देता है बॉडी से, क्योंकि क्या होता है मेमोरी सेल्स ने ऑलरेडी उसे पहचान लिया है और बी सेल्स ने उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है बहुत ही जल्दी प्रिपेयर कर ली है जिससे कि इन्फेक्शन क्या है वो 2-3 दिन में ही सही हो गया है. तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा लेक्चर अबाउट द इम्यूनिटी and like how many types of immunity are there yeah how many parts we have divided the immunity. So first is innate immunity and the second one is adaptive immunity. Innate immunity it is there in the body since birth, it is antigen non-specific, okay, and it is a first line of defense. On the other side if you talk about the adaptive immunity it is antigen specific immunity, okay, when the innate immune cells is not able to defeat the virus then adaptive immunity comes in picture and it includes two cells, the first one is T cells and the B cells. T cells helps in making the antibodies
or it can activate the B cells or differentiate the B cells into plasma cells. Then the plasma cells make antibodies along with this memory cells. Okay, so मेरा एक छोटा सा वीडियो था about the immunity and the like how many like types of immunity are there, like innate and adaptive immunity, and how it works, and the mechanism, how the innate immune cells like the natural killer cells and the neutrophils, monocyte and macrophages, how they work, what is the mechanism behind this, and then about the T cells, like how these T cells activate the B cells, and then how B cells make antibody and the memory cells and helps in protecting the body from the foreign molecules or viruses or bacteria. तो फ्रेंड्स यही पे मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है. तो अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इननेट एंड एडाप्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में. ओके, इम्यूनाइजेशन के बारे में कि एडाप्टिव जो इननेट जो इम्यूनाइजेशन है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है. साथ ही साथ जो एडाप्टिव इम्यूनाइजेशन है वो डिवाइड होता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पे. तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है तो कीप वॉचिंग माई चैनल. ओके, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट. ओके, थैंक यू, धन्यवाद.